हीर हीर आजा 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 हीर ए हीर गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं एलेक्स को लेकर। तो गाइज बहुत कोई हमारे सोशल मीडिया साइट और हमारे यूट्यूब चैनल में देखे ही होंगे कि हमारे पास एक हस्की पपीज है और हमने ये अचानक क्यों ख़रीदा लोगों का कहना था। तो गाइज ये अचानक नहीं था, मेरा प्लान बहुत पहले का था और मैंने एक मंगाया भी था अपने लिए, लेकिन उस टाइम आराध्य छोटी थी और साथ में मेरे साथ यहाँ कोई थे नहीं, सिर्फ हम और पूजा थी, तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता था। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा वेट करना चाहें। तो वह ब्लू आइज हस्की आप देखे होंगे जब मैं और डेमियन धनबाद जाके बाइक से लाया था, जारा बेबी को जो ब्लू आइज था, तो उसका लेने के बाद उसका ग्रोथ हो रहा था, एक दो महीना देखे हम, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। मेरे डेली मन में करता था कि मैं उससे मिलने जाऊं, जरा से डेली मिलने जाऊं, तो मैं जा नहीं पाता था। तो फाइनली मैंने फिर से डिसाइड किया कि और एक पपीज मंगाया जाए। तो पिछला बार हम लोग ने जो मंगाया था वो ब्लू आइज था, तो इस बार हम बोले ब्लू आइज ऑलरेडी तो डेमियन के पास है, अब कहीं हम लोग घूमने जाएंगे तो भेंट हो ही जाएगा, देख ही लेंगे। तो इस बार हम लोग ने ओड आइज मंगाया और ये अभी जलंधर से हम लोगों ने मंगाया तेजस भाई के यहाँ से। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई इशू ना हो इसके लिए सनी ट्रांसपोर्टेशन बात किया गया और गरीब रथ से 4:10 में दिल्ली से उसे फर्स्ट क्लास एसी में सनी ट्रांसपोर्टेशन का एक लड़का के साथ यहाँ के लिए भेज दिया गया और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग के पास रांची में यह पहुँच गया 10:50 में। तब हमारा ए शिफ्ट ड्यूटी चल रहा था, मैं डायरेक्ट वहाँ से कांटेक्ट कर ही रहा था और फिर मैं कोशिश किया कि जाके मैं उसे सोनारी का जो नया पुल बना है, नया ब्रिज बना है, वहीं पर जाकर रिसीव कर लूँ, सामने ही पड़ेगा। रिसीव करने के लिए और ये आप देख सकते हैं ये जो सोनारी के सामने नया पुल बना है यहीं पर हम लोग खड़े हैं और बस वाला से मेरा बात हो चुका है, लगातार हम बात कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो हम बताएं कि अभी 2 मिनट में पहुँच रहे आपका, देखते हैं। मतलब आ चुका हूँ, 5-10 मिनट हो चुका है आया हुआ और काफ़ी परेशान था मैं क्योंकि मैं अभी ड्यूटी से जस्ट अभी ए शिफ्ट करके निकला हूँ और लगातार फ़ोन करके वो आपको बोल रहे थे कि 2:10 मिनट पहुँच जाएंगे। मैं पूरा रेडी होके जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपना डिपार्टमेंट बोल के जल्दी से आया हूँ और तो आप लोग बने रहे वीडियो में, दिखाऊंगा कि पपीज कैसा है और इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद उसका अभी क्या असर पड़ा है सेहत पर, वो भी देखेंगे। तो हम लोग वेट किए काफ़ी देर सोनारी में, मिल ही नहीं रहा, लगातार फिर फ़ोन किए तो पता चला वो मानगो बस स्टैंड पहुँच गया। फिर हम लोग जाके मानगो बस स्टैंड में रिसीव किए और उसको लेकर आए तो इतना खुशी लगा और कभी हम सोचे नहीं थे कि मुझे इतना अच्छा पपी मिलेगा और बिना देखे मैंने सेलेक्ट किया है, सामने से देखा नहीं है। तो गाइस बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही औसम बोल सकते हैं। मात 37 डेज का पपी, इतना क्यूट, इतना हैवी घूमने तो और काफ़ी अच्छा हेल्दी था। फिर उस देखो इधर मम्मी है, इधर पापा है। लगेगा थक रहा है, फेस पे कलर चल रहा है। लो पकड़ो, पार करो।
उसके बाद थोड़ा देर बाद बता। एलेक्स पार ना हो जाए। नहीं होगा। एलेक्स उसको रख दीजिए ना साइड, रख दीजिए ना उसको मम्मी, सुनिए तो रख दीजिए ना। रख दीजिए ना उसको, छोड़े दीजिए ना, कोई दिक्कत है छुएगी तो। रख दिया ठंडा हवा। एलेक्स 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 आज आपका 22 तारीख हो रहा है, तो आज इसका हो गया कितना दिन, 105 दिन। आज 105 दिन हो गया। और यह अभी आप देख सकते हैं, यह अभी रेस्ट कर रहा है, इसको मैं अभी उठाता हूँ। देखिए आप कितना बड़ा हो चुका है एलेक्स अभी। और यह इसको मैंने काफी केयर करके रखा है, और आज तक इसको मैंने चेन से बांधा नहीं है, घर में पूरा खुला रहता है। सिर्फ इसको कमांड सिखा रहा हूँ कि किचन ना घुसे, बाकी इसके लिए कहीं भी जा सकता है, ये घूम सकता है, और काफी यह फॉलो भी कर रहा है। और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, काफी ज्यादा मेच्योरिटी इसमें दिखने लगा है, मतलब इतना समझदार हो रहा है धीरे धीरे। क्या बोले, इतना कम एज में इतना समझदार हम सोच नहीं सकते थे, और जब आया था तब नहीं सुनता था उतना, अभी धीरे धीरे काफी अच्छा सब समझ रहा है। तो यही था एलेक्स का बाय करने का, हम लोग का जो खरीदे थे उसका पीछे का एक कहानी। और अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एलेक्स से रिलेटेड डेली कोशिश करूंगा आप लोग को कुछ ना कुछ स्टोरी शेयर करूं। और आप लोग बने रहें हमारे चैनल हमारे फैमिली के साथ, काफ़ी अच्छा अच्छा आप लोग को वीडियो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।